मदरसों का सर्वे होता है। अरे क्या मिलेगा मदरसों में आपको सिवाय कुरान की हदीस के? कुछ नहीं मिलने वाला है मदरसे में आपको। आसाम में मदरसों को भाजपा तोड़ रही है क्या कहकर के आतंकवादी लोगों से इनका ताल्लुक था। अरे अगर किसी पढ़ाने वाले का आतंकवादी से ताल्लुक था तो मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? आप बताइए क्या देश का हाल करके रख दिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में अगर कोई नौजवान बेरोजगार है सबसे ज्यादा तो भारत में है। जब वो नौजवान रोजी पूछता है तो उससे कहते हैं कि तू लग जा गौरक्षक बन जा। जब पूछता तनख्वाह नहीं मिल रही तो कहते हैं पीलू खान को तो मार दे। बताइए आप फिर देश को किस राह पर भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा लेकर जा रही है? मदरसों का सर्वे होता है। अरे क्या मिलेगा मदरसों में आपको सिवाय कुरान की हदीस के? कुछ नहीं मिलने वाला है मदरसे में आपको। अगर आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। मगर मदरसों का सर्वे कराएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। आसाम में मदरसों को भाजपा तोड़ रही है क्या कहकर के आतंकवादी लोगों से इनका ताल्लुक था? अरे अगर किसी पढ़ाने वाले का आतंकवादी से ताल्लुक था तो मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? मदरसा क्यों तोड़ा तुमने? मदरसे को तोड़ते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आप जानते हैं इस बात को कि ट्रिपल तलाक का मसला आया, सबसे ज्यादा ट्रिपल तलाक का दलायल के साथ अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर किसी ने उसकी मुखालिफत की तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। क्या ये कांग्रेस और ये सब लोग कुछ बोले? कुछ नहीं बोल सकते। इनको मालूम कि इनकी जरूरत नहीं है, सब मसले मसाइल पर बोलना इनका काम नहीं है। और आज देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में तो माशाल्लाह सर्कस बना हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सर्कस का मंजर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री का एक मंत्री कहता है कि राजस्थान में सिर्फ ना दो नारे लग सकते हैं कि राजीव गांधी हमारे और अशोक गहलोत डैश डैश है। क्या बात है, अशोक गहलोत मुर्दाबाद बोलना क्या गुनाह होगा? अरे जब हम खड़े होकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोल सकते हैं तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद भी बोलेंगे। क्या करना है करके दिखाओ तुम। मैं बोला हूं, दिखाओ क्या करोगे तुम। इनके कांग्रेस के जनसभा में चप्पल जूते फेंके जा रहे हैं। हमारी जनसभा नहीं हो सकती मगर तुम्हारी जनसभा में चप्पल जूते फेंके जाएंगे। कोई इनका मंत्री कहता है कि जब मेरा एक दिन आएगा मैं उसको सबको खत्म कर दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह दबाकर अंदरूनी कुश्ती चल रही है। बीजेपी में भी चल रहा है मामला दबा के। महारानी कह रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, अमित शाह उनको देखते भी नहीं है पलट के। अब हमारे आज के भाषण के बाद तो भाजपा कांग्रेस ही बैठकर बोलेंगे कि बेटा आज चाय पी लेंगे। दोनों चाय पीकर बोलेंगे कि इसको कैसा रोकेंगे अब, क्योंकि अंदर की बातें जनता के सामने रख दे रहा है हमारी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखेंगे कि अभी टीवी पर आया कि मोदी जी ने चीता लाया है भारत में। मैंने एक चीता लाया है, उसको छोड़ेंगे भारत में? अरे भाई साहब, मोदी जी से जब चीन के बारे में पूछा जाएगा तो चीता की ज्यादा रफ्तार में मोदी जी भाग जाएंगे। जब मोदी जी से पूछा जाएगा देश के युवाओं की नौकरी कहां गई, मोदी जी चीता को भी पीछे छोड़ देंगे कि हमारी जमीन पर चीन की फौज कब्जा करके बैठी है। 50,000 हमारी फौज चीन की फौज में आंखों में आंखें डाल रही है डेपसांग और डेमचाक में, मगर वहां पर कोई बात ही नहीं करेंगे। अरे भाजपा वालों, ये कैसा तुम्हारा राष्ट्रवाद है कि तुम चीन का नाम लेने से डरते हो? और हम दिख जाते हैं ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। चीन जिम्मेदार नहीं है मगर चीन के बारे में कुछ नहीं कह रहे। और हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री अब समरकंद जा रहे हैं, एससीओ के समिट में हो सकता है कि शी जिनपिंग से गले भी मिल रहे, क्या फर्क पड़ता है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप एक सियासी ताकत बनकर उभरिए। जब तक आप अपने वोट हासिल नहीं करेंगे,
और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो 36 बरादरी के लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। मगर आप मुत्तहिद होना यह शर्त अव्वल है। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे, हमारे दलित भाई हमारे साथ खड़े होंगे। आप बताइए कि कौन सी दुनिया में भारत है। मेघवाल नामी एक बच्चा जालौर का स्कूल में पानी पीता है तो पानी पीने के नाम पर उस मेघवाल बच्चे की जान ले ली जाती है। हम 2022 में, हम 1822 में नहीं आए। इस मौजूदा दौर में एक दलित बच्चे को सिर्फ पानी के बर्तन को हाथ लगाने पर उसकी जान ले ली जाती है। मैं हमारे दलित भाइयों से भी अपील कर रहा हूं कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारा साथ दीजिए। और मैं हमारे दलित भाइयों से ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ हमारा हाथ पकड़ो, हम आपको हमारे कंधों पर बिठाकर इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग यहां पर आए, इतनी रात गए, आप यहां पर ठहरे रहे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं पहली मर्तबा यहां पर आया हूं, अल्लाह ने चाहा तो बार बार मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। अल्लाह सुबहाना ताला जब तक मुझे सेहत और हयात देगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत अगर ताकतवर बनना है, भारत अगर सुपर पावर बनना है, तो भारत के वंचित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को उनका हक मिलना चाहिए। कोई भी देश मुसलमानों को दबाकर, मुसलमानों का हक नहीं देकर कोई देश सुपर पावर नहीं बन सकता। अगर भारत को सुपर पावर बनना है, जो मेरा भी ख्वाब है, तो भारत की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से हम कह रहे हैं कि तुमको अल्पसंख्यक समाज से, दलितों से इंसाफ करना पड़ेगा। याद रखो मेरे भाई, इस बात को याद रखो। मैं इसे बात कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा कि जब बाबा साहिब अंबेडकर से पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट में रिजर्व सीट से दलित जीतकर संसद में नहीं जाता, तो बाबा साहिब ने कहा कि हां, वो जीतकर जरूर जाते हैं। मगर बाबा साहिब ने मीडिया के लोगों को जवाब दिया कि तुम जानते हो कि वो दलित जब जीतकर जाता है पार्लियामेंट में, वो अपना मुंह कब खोलता है? तो मीडिया के लोग अंबेडकर को देखकर ताज्जुब से देख रहे थे कि बाबा साहिब क्या कह रहे हैं। तो बाबा साहिब ने कहा कि हां, जीत कर तो जरूर जाती हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना है। तो ये जो नौ जीत कर गए, करौली में फसाद हुआ, हिम्मत थी उनकी करौली जाने की? पूछो उन लोगों से जिनकी दुकानें चली, उनको पूछो कि आप हैदराबाद से किसने उनकी मदद की थी। वो जवाब देंगे कि सऊदी ओवैसी के लोगों ने हमसे रब्ता किया था, कांटेक्ट किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। मेरी आपसे फिर से अपील है कि मजलिस का साथ दीजिए। बुजुर्गों से मेरी दरमंदाना अपील है कि आप हमारी सरपरस्ती करिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको रास्ता दिखाइए। अगर हम गलती करते तो हमारी तंबी कीजिए। हमारी माँ और बहनों से मेरी अपील है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। नौजवानों, तुम्हारे जोश और वलवले को एक नई राह दिखाना। तुम्हारे जोश और वलवला सिर्फ नारों में ना बह जाए। तुम्हारी जवानी सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद में जाए ना हो जाए। नौजवानों, तुम्हारी जवानी जेलों में ना बर्बाद हो जाए। ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं नौजवानों। आओ, इसका साथ तो हमारे बुजुर्ग बरसों इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप नेता बनिए। मैं राजस्थान को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं नेता बनूं। मेरी ख्वाहिश ये कि नजफगढ़ से मुझसे बेहतर, लाखों बार बेहतर आपके दरमियान से कोई एक नेता और लीडर बन जाए।
जो मुझसे ज्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो, मुझसे ज्यादा अल्लाह से खौफ रखने वाला हो, तो आपकी जबान अपनी जबान से आपकी तकालीफ की तर्जुमानी कर सकेगा। मेरी आपसे अपील है कि नेता बनो, नेता बनो, पीछे मत चलो। याद रखो, तुम सब हम सब बराबर हैं देश में। हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम किसी के पीछे नजरें झुकाकर नहीं चलेंगे, हम सीना तान कर सबके साथ बराबर चलेंगे। यही हमारी लड़ाई का मकसद है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस का साथ दीजिए। आप तमाम का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखर दावा।